जय बाबा भोले शंकर की, भगवान आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरोज एस्ट्रो में। आज हम जानने वाले हैं कि सपने में काला सफेद सांप देखना कैसा होता है, या सपने में काला पीला काला नारंगी सांप देखना कैसा होता है। दोस्तों, दुनिया में सांपों की लगभग 3000 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से आपने 10 प्रकार की प्रजाति भी नहीं देखी होगी। दोस्तों, रंग का हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। हमें जितना ज्यादा डर काले सांप का लगता है, उतना डर हमें अन्य रंग की सांप का नहीं लगता है। दोस्तों, कई सांप तो देखने में बड़े ही दिलचस्प लगते हैं। दोस्तों, जिन प्रजातियों के सांप को हम वास्तविक जीवन में नहीं देख पाते हैं, उन प्रजातियों के सांप को सपने में देखने का मौका मिल जाता है। स्वपन शास्त्र के अनुसार सांप देखने का अर्थ सपने के प्रकार पर निर्भर करता है। दोस्तों, अगर आपको सपने में काला सफेद सांप दिखाई देता है, यानी काला सांप जिस पर सफेद धारी हो, तो ये सपना हमारे लिए कई अर्थ देता है। तो चलिए दोस्तों, एक एक सपने को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं सपने में काला सफेद सांप देखना कैसा होता है। सपने में आप एक ऐसा सांप देखते हैं जिसके दो रंग है, वो दिखने में काला है और उसके शरीर पर सफेद रंग की धारियां बनी हुई है। तो ये सपना आपके लिए दिलचस्पी का प्रतीक माना जाता है, जिसके अनुसार आने वाले दिनों में आपके जीवन में एक दिलचस्प घटना घटित होगी। लेकिन आपको इस घटना का बुरा परिणाम देखने को मिलेगा। वो घटना आपके लिए दिलचस्प होगी, लेकिन ये घटना आपको विनाश व संघर्ष की ओर लेकर जाएगी। अगर आप सपने में सफेद और काले रंग के सांप को अपने हाथों में पकड़ रखा है, तो इसका अर्थ है कि आने वाले दिनों में आपके संबंधों में कठोरता सम्मिलित होने वाली है। अब बात करते हैं सपने में बिस्तर पर काला सांप देखना कैसा होता है। दोस्तों, सांप एक जहरीला जीव है। सांप का नाम लेते ही हमें डर लगने लग जाता है। अगर सांप हमारे बिस्तर पर कभी वास्तविकता में चढ़ जाता है, तो वो मंजर हमारी आंखों में कैद हो जाता है, जिसके कारण हम सांप से डरने लग जाते हैं। अगर आप सपने में अपने बिस्तर पर एक सांप को आराम करते हुए देखते हैं, तो ये सपना आपके आलस्य को दर्शाता है कि आने वाले दिनों में आप एक आलसी व्यक्ति बनने वाले हैं। आपके अंदर ऐसी शक्ति है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं, लेकिन आप अपने आलस के कारण अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आपका आलस इतना ज्यादा बढ़ने वाला है, जिसके चलते आप अपने हाथ से खाना खाने में भी असमर्थ हो जाओगे। अगर सांप आपके बिस्तर पर लौट रहा है, तो ये आपकी काम वासना को बताता है कि आने वाले दिनों में आपकी काम वासना चरम सीमा पर होगी, जिसके चलते हुए आपके हाथ से कोई गलत काम भी हो सकता है। अब बात करते हैं सपने में दो मुंह वाला काला सांप देखना कैसा होता है। सपने में आपको एक ऐसा काला सांप दिखाई देता है जिसके एक नहीं बल्कि दो सर होते हैं। उसकी गर्दन पर दूसरी गर्दन भी जुड़ी होती है, तो ये सपना आपके लिए उन मुद्दों का प्रतिनिधित्व करता है, जिन्हें आप लपेटे में रखने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपको सपने में दो सर वाला काला सांप दिखाई देता है, तो ये सपना दूसरे लोगों के लिए भी चेतावनी है, क्योंकि ये दूसरे लोगों के लिए मानस का काम करता है। लाल किताब के अनुसार सपने में जुड़वा काला सांप लैंगिकता का प्रतीक भी माना जाता है। कई बार ये सपना संदर्भित संभोग को भी दर्शाता है। इसके अलावा ये सांप झुंझलाहट को भी दर्शाता है। अगर आप सपने में दो सर वाले सांप से डरते हैं, तो ये सपना आंतरिक रूप से छिपी हुई चिंता को प्रदर्शित करता है। अगर आप कठिन परिस्थिति में है, तो सबसे पहले उस कठिन परिस्थिति पर विचार करें। ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास और मान सम्मान बढ़ेगा। इसके साथ उभरने वाली चिंता भी खत्म हो जाएगी। अगर आप सपने में दो सर वाले काले सांप की पूजा कर रहे होते हैं, तो ये सपना आपके ज्ञान में सुधार का संकेत देता है कि जल्द ही आपके ज्ञान में ऐसा सुधार होगा, जिसके चलते हुए आप ऐसी कला सीखेंगे जिससे आप दुनिया को चौंका देंगे। इस सपने के बाद आपको लोगों की सहानुभूति भी मिलेगी। अब बात करते हैं सपने में मृत काले सांप को पानी में तैरते देखना कैसा होता है। दोस्तों, आप सपने में एक मृत काले सांप को पानी में तैरते हुए देखते हैं, तो ये सपना आपके लिए अच्छा माना जाता है, जिसके चलते आने वाले दिनों में आपके जीवन में कोई नया सलाहकार आने वाला है, जिसकी सलाह पर चलकर आप कुछ ही दिनों में धनवान इंसान बन जाओगे। इसके साथ ही ये सपना आपको इस बात का भी संकेत देता है कि आपको आने वाले दिनों में ऐसी जगह से भी लाभ हो सकता है जहां से आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अब बात करते हैं सपने में काला और हरा सांप देखना कैसा होता है। दोस्तों, अगर आप सपने में काले रंग और हरे रंग के सांप को एक साथ देखते हैं, तो इस तरह का सपना ये संकेत देता है कि आप अपने जीवन में जो कर रहे हैं, उसमें आपने अपना साथी सही व्यक्ति को नहीं बना रखा है, यानी यह सपना गलत साथी का प्रतिनिधित्व करता है। हो सकता है कि आपने गलत बिजनेस पार्टनर को चुन लिया हो। इसके साथ ही यह भी हो सकता है
कि यह सपना आपके जीवन साथी के सही नहीं होने का संकेत भी दे रहा है। इस कारण से सपने में काले और हरा सांप देखने के बाद में आपका किसी भी तरह से जो साथी है उसे परखना चाहिए, ताकि वो आपको किसी तरह की हानि नहीं पहुंचा सके और आपको भी मालूम चल जाए कि आपका साथी सही है कि नहीं। अब बात करते हैं सपने में नारंगी और काला सांप देखना कैसा होता है। अगर आपने अपने सपने में काले और नारंगी रंग के सांप को एक साथ देखा है तो इस तरह के सपने का मतलब आपके जीवन में ऐसे व्यक्ति की ओर संकेत करता है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो, जैसे आपका कोई अपना मित्र, आपकी पत्नी, आपका भाई आदि। ये सपना संकेत करता है कि आपके इस महत्वपूर्ण व्यक्ति से अनजाने में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके कारण आपका संतुलन बिगड़ सकता है, यानी आपको हानि का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण से अगर आप किसी तरह का बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस का संतुलन बिगड़ सकता है। इस सपने के बाद आप गलतियों को खत्म करने की कोशिश करें। अगर गलती खत्म नहीं होती है तो उसे टालने की कोशिश करें। अब बात करते हैं सपने में काले और पीले सांप को एक साथ देखना कैसा होता है। अगर आप अपने सपने में काले रंग का सांप पीले रंग के सांप के साथ देखते हैं तो ये सपना आपके लिए अशुभ होता है, क्योंकि यह आपके साथी की ओर संकेत करता है जो कि आपके लिए सही नहीं है। ये सपना संकेत करता है कि आपका साथी पाखंडी है जो कि आपका साथी होने का धूम कर रहा है। आप अपने साथी पर अच्छी तरह से नजर बनाए रखें, इसके साथ ही पाखंडी साथी से दूर रहने का प्रयास करें। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय भोले बाबा की।